जाएंगे सामने मिले होगी T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया को सिलेक्शन IPL के आधार पर होगा। यानी कि अभी तो कोई भी T20 मैच घूमत रहा जिसके आधार पर BCCI T20 टीम को सिलेक्शन कर सके। T20 वर्ल्ड कप जून 2024 में होगा और IPL मार्च अप्रैल में होगा। तो सीधी बात यही है कि मार्च में जो IPL खेल जाओगे जिसके आधार पर T20 वर्ल्ड कप की टीम को सिलेक्शन होगा। तो आज की जो बात है यह है कि T20 वर्ल्ड कप की टीम को सिलेक्शन IPL के आधार पर करना ठीक रहेगी, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी हैं कमी जिसका IPL में बहुत ठीक ठाक प्रदर्शन करी लेकिन टीम इंडिया में आता ही आपके कदम पीछे कर लेवी और टीम इंडिया के लिए बिल्कुल भी प्रदर्शन कौन कर पावी। कुछ एक लड़ाई का नाम बताऊं तो इसमें पहले खिलाड़ी का नाम आवे KL राहुल जो कि पिछले 5-7 साल से IPL के हर सीजन में लगभग 500+ रन बनावे। यो खिलाड़ी हर बार पंजाब किंग्स या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी रन बनावे, लेकिन जब जो खिलाड़ी टीम इंडिया में कदम रखे तो इस खिलाड़ी को जो प्रदर्शन है वो IPL से कम रहे। हाल ही में इस खिलाड़ी को थोड़ा प्रदर्शन में ठीक ठाक सुधार है लेकिन यो सुधार बहुत दिन बाद में है। तो अब देखना पड़ेगा यो जो सुधार है जो T20 वर्ल्ड कप तक रह सकेगी। अगले खिलाड़ी को जो नाम है वो राहुल त्रिपाठी IPL में हर सीजन में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करे लेकिन के बावजूद भी एक खिलाड़ी को सिलेक्शन टीम इंडिया में कोनी हुआ है। इसको कारण ये है कि पिछले कुछ मैचों में यानी कि 5 मैचों में एक खिलाड़ी ने मौका मिलो और 5 मैचों में खिलाड़ी मात्र 19 की औसत से 97 रन बना चुके हैं। यानी 5 मैचों में 19 की औसत से रन बनाए और ये खिलाड़ी IPL में इतनी बेहतरीन औसत से रन बनावे। यानी IPL में 10-15 मैचों में ये खिलाड़ी 5-7 रन बना के जावे जो कि टीम इंडिया में आने के बाद में मात्र 5 मैचों में मात्र 97 रन बनाए। अगले जो खिलाड़ी का नाम आवे वो आजकल हर किसी के जुबान पर आवे, वो नाम है शुभम गिल। IPL 2023 में जिस हिसाब से खेले बिन देखता लग रहा हूँ कि यो खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया को बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी होगा। लेकिन बिके बावजूद शुभम गिल इंडिया के अंदर यानी जो अहमदाबाद जो पिच है जिसके ऊपर शुभम गिल T20 में शतक मारते, यानी IPL में शुभम गिल अहमदाबाद की पिच के ऊपर T20 में शतक मार सका है लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर भी अहमदाबाद की पिच के ऊपर शुभम गिल फ्लॉप हो रहे। तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो खिलाड़ी IPL में भी पिच के ऊपर इतना बढ़िया रन मारे वो खिलाड़ी T20 या फिर वनडे वर्ल्ड कप के अंदर भी मैदान पर इतना कम स्कोर कर रहे। तो खास बात यह कि ये जो खिलाड़ी है ये IPL फ्रेंचाइजी के लिए इतना बढ़िया प्रदर्शन कर सका है लेकिन टीम इंडिया के लिए इतना खराब प्रदर्शन और यहाँ तक कि जो वर्ल्ड कप हुआ है बी के अंदर भी अपना प्रदर्शन में निखार कुल ला सकी। तो IPL जो चल रहे हैं जो टीम इंडिया के लिए फायदे है या फिर नुकसान है यह बात तो बाद की बात है, लेकिन इससे एक बात तो साबित हो रही है कि जो IPL है इससे जो खिलाड़ी है भी पिछले कमांड के ऊपर ज्यादा जोर दे रखे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो चोखा लगे हो तो वीडियो लाइक कर दियो और चैनल में सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर दियो।